कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क क्या होता है एंड डू यू नीड वन? लेट्स डिस्कस। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। और कुछ लोगों से सवाल आया था अबाउट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, तो हम उसको भी डिटेल्स में डिस्कस करें। तो सबसे पहले समझते हैं ये तीनों चीजें है क्या। तो बेसिकली कॉपीराइट क्या है, अगर आपने कोई आर्ट वर्क क्रिएट किया या तो कोई बुक लिखी, कोई स्टोरी लिखी, कोई पेंटिंग बनाई, कुछ डिजिटल चीज क्रिएट की, कोई वीडियो बनाया, इमेज बनाई, एनीथिंग, अगर वो आपने क्रिएट किया हुआ है उस चीज के ऊपर आपका कॉपीराइट है। तो जैसे अगर आप यूट्यूबर हो और आप किसी और का वीडियो बिना उसकी परमिशन के उठा के अपने चैनल पे लगा देते हो, तो वो आपके ऊपर डाल सकते हैं कॉपीराइट के क्लेम्स, मतलब आपने उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया टू अर्न रेवेन्यू। दूसरी चीज क्या होती है, पेटेंट। तो पेटेंट बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कुछ नया इनोवेशन किया, कुछ नई चीज क्रिएट की जो बहुत यूनिक है और या फिर जिससे मैनकाइंड कोई फायदा हो रहा है, तो ताकि आप उस चीज को कमर्शियलाइज कर सको, आप लोगों को बेचने लगो, उसके लिए आप उसका पेटेंट राइट ले सकते हो। मतलब सिर्फ आप ही उस चीज को बेच सकते हो टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपका पेटेंट एक्सपायर नहीं होता। तो पेटेंट की वजह से ही अ लॉट ऑफ कंपनीज मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, मतलब लोग R&D में इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ बनता है और फिर बाकी कंपनीज उसको एज इट इज कॉपी कर सकती हैं। तो इसके लिए पेटेंट से क्या होता है, आपको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल जाता है कि सिर्फ आप ही उस चीज के सोल मालिक हो और आप ही उस चीज को बनाकर बेच सकते हो। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। तो आपका नाम, आपका ब्रांड, आपका लोगो, कोई सिंबल्स जो आपकी कंपनी के लिए या आपके लिए यूनिक है, उस चीज को आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो, मतलब उसको कोई कॉपी ना कर पाए उसके बाद। तो एसेंशियली ट्रेडमार्क बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, जरूरत नहीं है किसी को भी ट्रेडमार्क करवाने की, लेकिन इट इज हाईली रिकमेंडेड, मतलब आप अगर चाहते हो आप अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा ग्रो करो, तो आप अपने लोगो का ट्रेडमार्क करवा सकते हो। इससे एक तो आपके ब्रांड का एक अलग लोगो रहेगा, जिससे कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, एक ब्रांड इमेज बन जाती है, एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है कस्टमर्स को और वो आपके ब्रांड के साथ और आपके साथ एक लोगो से ही कनेक्ट कर पाते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, आपको पता चल जाएगा कोई एग्जिस्टिंग लोगो तो नहीं है सिमिलर, कल को पता चले कोई और आप पे केस कर दे, तो हमारा ट्रेडमार्क किया हुआ लोगो था आपने कैसे यूज कर लिया, तो उस लीगल चक्कर से भी आप बच जाओगे अगर आप अपना ट्रेडमार्क किया हुआ लोगो बनवाओगे, क्योंकि आप उसी चीज को ट्रेडमार्क करवा सकते हो जो बिल्कुल यूनिक है, मतलब ऑलरेडी किसी और ने ट्रेडमार्क नहीं किया हुआ। साथ ही साथ आप बच जाओगे कोई और आपके ब्रांड को कॉपी करके, नाम कॉपी करके चीजें बेच रहा है, मतलब ब्रांड आपका पर कोई और गलत सामान, खराब क्वालिटी का सामान बेच के आपके ब्रांड का नाम खराब नहीं कर पाएगा, ना ही आपके ब्रांड का फायदा उठा पाएगा। और साथ ही आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, कल को अगर आप चाहो अपने लोगों को बेचना तो आप उसको भी मोनेटाइज कर सकते हो, अगर आपने उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर ली है मार्केट में। तो आप समझते हैं कि आप कैसे फाइल कर सकते हो ट्रेडमार्क के लिए। सबसे पहले तो आपको वही सारी डॉक्यूमेंट चाहिए जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है, जैसे आपके ID प्रूफ्स, कंपनी के अगर कोई ID प्रूफ्स है तो वो सब, बैंक स्टेटमेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस, फोटोग्राफ्स, ये सब चीजें। उसके बाद आपको एक लोगो चाहिए, ठीक है, और आपको लोगो के साथ साथ ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि क्या वो लोगो यूनिक है। तो मैं आपको एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं एडवाइस करूंगी कि आप लोगो चेक करवाने के लिए कोई लीगल एडवाइस लो, ज्यादा बेटर है बिफोर फाइलिंग फॉर ट्रेडमार्क। इनफैक्ट आप ये एंटायर प्रोसेस किसी लॉयर के थ्रू बिना ज्यादा से ज्यादा 10-12 हज़ार में करवा सकते हो, लेकिन फिर भी लेट मी एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो एसेंशियली इस लिंक में जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करते टाइम आपको टाइप ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, अगर आप प्रोपराइटर हो आप प्रोपराइटर एंटर करो। अब अगर आपके पास कोई कोड नहीं है तो आप सर्च पे क्लिक करो एंड आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आपका एक कोड जनरेट हो जाएगा एंड देन आप उस कोड से लॉग इन कर लेना। तो एक बार आपने इस कोड से लॉग इन कर लिया, उसके बाद आपके पास ये पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप डिजिटल सिग्नेचर, यूजर डिटेल्स और ये सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा इस तरीके का, जिसमें एक लिंक आएगा और आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी आएगा। तो
तो लिंक पे क्लिक करके आप उसमें लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद अगर डिजिटल सिग्नेचर है उस चीज को अपडेट कर दीजिए, देन आपके पास एक मेन्यू आएगा जिसमें बहुत सारी तरीके के ऑप्शंस होंगे कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। अब अगर आपकी न्यू एप्लीकेशन है देन यू क्लिक ऑन न्यू MM2E एप्लीकेशन, उसमें एंटर करके आप सारी की सारी डिटेल्स भर सकते हो। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका एक टेम्पररी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आप पूरी एप्लीकेशन की डिटेल्स देख सकते हो, इनफैक्ट सेव भी कर सकते हो। अब अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो बिफोर सबमिशन, वरना आप सारी की सारी डिटेल सबमिट करके डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कर सकते हो। देन यू कैन मेक पेमेंट। कई बार रिसीट जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आप रिसीट जनरेट कर लीजिए। एक दो दिन भी अगर लग रहे हैं, इट्स गवर्नमेंट हॉलीडे और समथिंग, तो सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको TM1 फाइल चूज करनी है, उसमें टाइप में एप्लीकेशन लिखना है और उस पूरी फॉर्म को भर के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। उसके अलावा अगर आपको कोई और फॉर्म भरनी है, मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया कि कौन सी फॉर्म किस लिए होती है, अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हो। तो ये था पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आपको खुद रजिस्टर करना हो तो। तो अगर आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप चाहते हो कि मैं किसी लॉयर को अपने किसी वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में लेकर आऊं, तो आई विल डू दैट, क्योंकि इससे ज़्यादा लीगल टर्म्स में आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछते रहना, और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को ज़रूर लाइक करना।